बाहर रहने वाले भारतीय आपकी प्राथमिकता उतनी नहीं रहे जितनी प्रधानमंत्री चाहते हैं, और इसलिए अब हमें सीधे उन तक जुड़ना है। विदेश नीति तो यहां से बन जाएगी, आप उसको सिरे चढ़ा देंगे, लेकिन वो लोग आपके लिए बैठे हैं और आप केवल उनके लिए बैठे हैं। तो मैंने एक मोटो बनाया, परदेश में आपका दोस्त भारतीय दूतावास, इंडियन एम्बेसी होम अवे फ्रॉम होम। और मैंने कहा इसको सही करके आप सबको दिखाना है, और मुझे लगा कि केवल मैं अगर कहकर रह जाऊंगी तो नहीं चलेगा, बल्कि मैंने ट्विटर को स्वयं संभाला और मैंने कहा कि 24/7 हम लोग हाजिर हैं। आपने देखा होगा एक बार मेरा ट्वीट रात के 1 बजे आया था, एक बार सुबह के तड़के 3 बजे आया था, जब हमारे लोग फंस गए थे तो यमन में से लगभग 5,000 लोग हमने अपने निकाले थे और 2,000 के करीब विदेशी नागरिक निकाले थे, इसी तरह इराक से, इसी तरह लीबिया से, इसी तरह ताशकंद में हमारे बच्चे जो फंस गए थे उनके यहाँ से, यूक्रेन से, हर जगह से हम लोगों ने, ताशकंद में, यूक्रेन से। और मैं अगर आपको आंकड़ा दूँ तो आप आज चौंक जाएंगे, अभी संसद में मैंने वो आंकड़ा दिया है कि मई 2014 में हमारी सरकार आई और दिसंबर 2017 तक का आंकड़ा दिया है, अभी इस 7 महीने का आंकड़ा उसमें नहीं है। 26 मई 2014 को आई तो आप 1 जून 2014 से और दिसंबर 2017 तक 1,01,366 विदेशों में फंसे हुए लोगों को हम सकुशल भारत वापस लेकर।